हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेकी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आज लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके से संबंधित हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। वो लगभग 99% मैं सही कह सकता हूँ। बाकी दो चार क्वेश्चन हैं वो मतलब विवादास्पद रहने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। आप अपना मिलान कर लीजिए। ये रहा दोस्तों, ये पेपर है, किसी स्टूडेंट ने भेजा है टेलीग्राम पे। तो ये देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा भीम सिंह। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, महाराजा हनुमंत सिंह। फिर अगला क्वेश्चन, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? रास्तापाल आंदोलन, बिजोली आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बेंगू आंदोलन। तो कालीबाई का संबंध है वो रास्तापाल आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर राजस्थान में पावड़ा का मतलब है, तो दोस्तों ये एक मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि पावड़ा का संबंध, अब पावड़ा पाबूजी की जो फट थी उनका वाचन करने वाले, मतलब उनकी जो लोक पूरे जीवन का जो कथा गाते हैं उनको पावड़ा कहा जाता था। अब ये लोक गाथा ऑप्शन सी और लोक कथा, ये दो में मतलब कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर आप ये समझ लो कि स्टार वाला क्वेश्चन मान लो। अब इसका आंसर क्या है मैं देख के बताऊँगा आपको, लेकिन लोक गाथा और लोक कथा ये दोनों ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है। अगर आपको इसका ऑथेंटिक क्वेश्चन है तो आप मतलब ऑथेंटिक आंसर का पता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोली आंदोलन, शेखावटी आंदोलन, हाड़ौती का किसान आंदोलन और निमोचना आंदोलन। तो साधु सीताराम दास का नेतृत्व वो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको सबको पता है कि 1897 में इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी दाखड़ जाति के लोगों के साथ मिलकर। फिर गुजर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो मंडोर से मेड़ता वो नागपुर प्रथम ने स्थानांतरित की थी, मंडोर से मेड़ता, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी रतन शास्त्री, कस्तूरबा गांधी, नारायणी देवी और महिमा देवी। तो वनस्थली विद्यापीठ से रतन शास्त्री है वो संबंधित थी, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7 का, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह ने, राजा राम सिंह ने, महाराजा उम्मेद सिंह ने, राव जोधा ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। फिर देश हितैष ने सभा को स्थापित की गई थी, 2 जुलाई 1877, 2 जुलाई 1867, 2 जुलाई 1870, 2 जुलाई 1880। तो देश हितैष ने सभा को उदयपुर के अंदर 2 जुलाई 1877 के अंदर बनवाया गया था, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। फिर राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो दोस्तों, ये एक ही बहुत ही मस्त एकदम शानदार क्वेश्चन है कि अब इसमें लोग कन्फ्यूज हुए होंगे कि कर्नल टोड करें या मेटकोप करें। तो दोस्तों, कर्नल टोड ने तो सहायता की थी संधि करने में, कर्नल टोड ने तो मतलब सहायता की थी, और अंग्रेजों का जो अधिकारी था वो था मेटकोप, ऑप्शन नंबर बी इसमें 100% राइट होगा, मेटकोप। फिर संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये दोस्तों, प्रथम तो आपको मतलब चकमा देने के लिए इस्तेमाल किया गया वर्ड है, प्रधानमंत्री तो एक ही था संयुक्त राजस्थान का, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक ही राइट होगा, माणिक्यलाल वर्मा। फिर जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? गोकुलबाई भट्ट, जयनारायण व्यास, हरिभा उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है, जीवन कुटीर के गीत हैं वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखे गए थे। दोस्तों, इस स्टूडेंट के तो लगभग सभी क्वेश्चन हैं वो सही आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर संत दरियावजी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा से प्रवर्तक थे? खेडाप्पा, शाहपुरा, सीहतल और रैन। तो दोस्तों, दरियाव जी हैं वो रामसनेही संप्रदाय की रैन शाखा से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट। से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला उदयपुर, टोंक, करौली और बाड़मेर। तो कानन मेला से संबंधित है दोस्तों वो है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, कानन मेला बाड़मेर। फिर बात करते हैं आगे, निम्न में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो दोस्तों, भीमलाट विजय स्तंभ वो भरतपुर में है, भरतपुर के बयाना किले के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। फिर हमीर रासों के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणथंबपुरा, रणस्तंभपुर, रणथनपुर और रणदेवपुर। तो दोस्तों, इसमें हमीर रासों के अनुसार जो प्राचीन नाम था वो था रणथंबपुर, ऑप्शन नंबर
सेकंड इसमें शायद राइट होगा। इसमें मतलब अगर आपको भी एकदम ऑथेंटिक आंसर इसका पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, लेकिन इसका मतलब 99% मैं श्योर हूँ इसका आंसर है वो रणस्तंभपुर ही होना चाहिए, रणस्तंभपुर। फिर आता है अगला क्वेश्चन नंबर 16, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। दोस्तों जोधपुर की बात कर रहा है तो जोधपुर में कौन थे आपको पता ही होगा, जोधपुर के पीए वो मैकमोहनसन थे, और बटन को भी मारा गया था, लेकिन बटन का संबंध कोटा से था और जोधपुर का संबंध मैकमोहनसन से था, और मेवाड़ के थे मेजर शोवर्स और कर्नल लेडन थे जयपुर के। फिर बात करते हैं आगे, सामूहगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की दीनता स्वीकार की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि दारा सिखों के साथ युद्ध में कौन ने मतलब भाग लिया था, किसने भाग लिया था, तो महाराजा जसवंत सिंह थे जिसने दारा सिखों के साथ मतलब औरंगजेब के खिलाफ भाग लिया था। फिर औरंगजेब इस युद्ध में जीतने के बाद उनको मतलब लाहौर पे उधर भेज देता है, लाहौर की साइड पे जहाँ ही उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर इनको खालसा घोषित कर देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, महाराजा जसवंत सिंह। फिर खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, तो आप सबको पता है कि खेजड़ी का पेड़ वो गोगा जी से संबंधित है, क्योंकि गोगा जी के थान है वो प्राय खेजड़ी के नीचे ही होते हैं, गोगा जी गाँव गाँव खेजड़ी और गाँव गाँव गोगा, ये कहावत भी है ना राजस्थान के अंदर। फिर बात करते हैं आगे, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। तो आपको पता है कि मेवाती बोली है वो अलवर भरतपुर में बोली जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। तो दोस्तों घूमर नृत्य का आयोजन है वो दीपावली, दशहरा, तीज और गणगौर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। घूमर नृत्य का आयोजन है वो सबसे ज़्यादा है वो गणगौर के पर्व पर किया जाता है, गणगौर। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इस स्टूडेंट का ये पहला क्वेश्चन है वो शायद गलत लग रहा है और ये किसने किया नहीं है, बहुत ही शानदार पेपर गया है इसका, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, घूमर नृत्य है वो गणगौर के ऊपर किया जाता है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, पुरापाषाण काल, हड़प्पा काल, लोह युग और ताम्रकाश्य युग। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ताम्रकांस्य युग। और ये गणेश्वर सभ्यता सबको बताइए कि सीकर जिले से संबंधित है, कांतली नदी के ऊपर। फिर है राज प्रशस्ति की रचना किसने की, कुमरिल भट्ट ने, मंड ने, महाराणा कुंभा ने, रणछोड़ भट्ट ने। तो राज सिंह प्रशस्ति है वह राजा मतलब महाराणा राज सिंह के टाइम की थी और इसको मतलब रचयिता थी रणछोड़ भट्ट तलिंग, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। फिर अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है, करौली में, चित्तौड़ में, चिड़ावा में, अलवर में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी अलवर एकदम 100% राइट है, अलीबक्शी ख्याल है वो राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है, लोक नाट्य शैली है। फिर है मुसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है, बाड़मेर, अलवर, धौलपुर और जोधपुर। मुसी महारानी की छतरी है वो भी अलवर की, अलवर से ही है। तो दोस्तों अलवर ज़िला बहुत ही शानदार लग रहा है, मेरे को लग रहा है राजस्थान बोर्ड को अलवर ज़िला पसंद है, अलवर ज़िले से संबंधित 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई मान सिंह, स्वाई सूर्य सिंह। तो जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल है वो स्वाई प्रताप सिंह के टाइम को ही माना जाता है, स्वाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है, फुलवारी की नाल अभयारण्य, केला देवी अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य और सरिस्का अभयारण्य। तो दोस्तों इसमें इन चारों में सबसे बड़ा पूछ रहा है ये, न कि राजस्थान का सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य जो सबसे बड़ा है वो है फुलवारी की नाल अभयारण्य, ये लगभग शायद 800-850 किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि ये कुंभलगढ़ सरिस्का ये इनसे छोटे हैं। सरिस्का तो 100% ही गलत है, सरिस्का तो 300-350 किलोमीटर में ही है लगभग, फुलवारी की नाल उदयपुर वाला सबसे बड़ा है। फिर है भिखामाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, सिरोही, बाड़मेर, डूंगरपुर और पाली। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% राइट है, डूंगरपुर, डूंगरपुर में सागवाड़ा नहर है, भिखावाई सागवाड़ा नहर। फिर राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है। दोस्तों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में आता है, जिसमें खनिज आता है उसमें फेल्सपार तो आता ही आता है, बहुत सी एग्जामों में पूछा गया फेल्सपार। तो फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादक जिला अजमेर ही है। फिर राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अंबिकानगर टोंक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। फिर रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो रातानाडा हवाई अड्डा है वो जोधपुर में है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। फिर पूछा है ये कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा जोड़ा है ये बात पूछी है इसमें, तलवारा गंगानगर में,
नक्की झील है वो सिरोही में, गढ़सीसर झील है जैसलमेर में, और उम्मेद सागर झील है जोधपुर में। तो दोस्तों ये गंगानगर में तलवारा झील नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, मतलब ये गलत युग में सुमेलित है। फिर बात करते हैं 32 के क्वेश्चन की, वंशधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। वंशधारा पहाड़ी पूछ रहा है, वंशधारा पहाड़ी ये है माउंट आबू अभयारण्य, बंद बारेठा अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य और सज्जनगढ़ अभयारण्य। वंशधारा अभयारण्य मतलब वंशधारा पहाड़ी पूछ रहा है, तो ये कौन से अभयारण्य में, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सज्जनगढ़ अभयारण्य में ये स्थित है। 100% श्योर है दोस्तों, आप आराम से 100% इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं, आप सर्च भी मार सकते हैं, इसमें वंशधारा पहाड़ी है वो सज्जनगढ़ अभयारण्य में है। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजकीय राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में स्थित है, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है। फिर कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है, तो दोस्तों जोगी महल पूछ रहा है, जोगी महल कौन से अभयारण्य में, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार अभयारण्य सरिस्का या रणथंबोर। तो ये तो सबको पता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि जोगी महल है वो कौन से स्थान में स्थित है, कौन से इसमें स्थित है, तो जोगी महल का एकदम 100% ऑथेंटिक आंसर है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है, दोस्तों इसमें राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है, भारत के संदर्भ में नहीं पूछ रहा है। तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और पीली मृदा। तो ये रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं, तो दोस्तों ये तो ऑप्शन अपने आप ही कैंसिल हो गया है, एक ही नाम दे दिए दो ऑप्शनों में, काली मिट्टी उसका नाम ही रेगुर मिट्टी है, फिर जलोढ़ मिट्टी और पीली मिट्टी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो दिए गए ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा राइट लग रहा है, पीली मृदा होना चाहिए, कि मूंगफली की सर्वाधिक उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पीली मृदा। फिर बात करते हैं, बर्बरी एक प्रजाति है, तो दोस्तों बर्बरी है वैसे बर्बरी और वैसे बकरी, बर्बरी प्रजाति है बकरी की, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। फिर 37, फेल्सफार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, नीस और फॉस्फेट। तो दोस्तों फेल्सफार खनिज है वो ग्रेनाइट चट्टानों में मिलता है, ग्रेनाइट, क्योंकि राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा चट्टाने वो ग्रेनाइट चट्टाने ही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्रेनाइट फेल्सफार का खनिज का है वो ग्रेनाइट चट्टानों में मिलता है। फिर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे है वो जयपुर है इसका मुख्यालय। फिर मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है, वातरोधी, वृक्षारोपण पट्टी, मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण या पुनर्भरण और बालू का स्तूप स्थिरीकरण। तो दोस्तों इसमें मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है, वातरोधी, वृक्षारोपण पट्टी। अब इसमें देखने भी तो मतलब लगभग ये भी विवादास्पद क्वेश्चन मान सकते हैं आप, क्योंकि इसमें वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी है ये भी सही लग रहा है, और बालू का स्तूप स्थिरीकरण ये भी सही लग रहा है। तो दोस्तों इसमें दोनों में से मतलब ये दोनों ही ऑप्शन मेरे को तो सही लग रहे हैं, वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी और बालू का स्तूप स्थिरीकरण। फिर भी अगर आपको इसका ऑथेंटिक आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि इसमें यही ऑप्शन होगा, मेरे हिसाब से तो इसमें दोनों राइट हो रहे हैं, ये पहला भी है और डी भी है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान के किस नाम से भी जाना जाता है, वन्य जीव पार्क, टाइगर पार्क, घास क्षेत्र पार्क और जीवाश्म पार्क। तो राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान है वो जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी है वो राइट हो जाएगा, जीवाश्म पार्क। फिर पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों में सम्मिलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, मतलब नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में बात कर रहा है। अब लूनी की सूकड़ी, सबको पता है कि सूकड़ी नदी लूनी की सहायक नदी है, ये तो सही है। चंबल की बनास होती है ये भी सही है, बनास की बेड़च है ये भी सही है, और माही की साबरमती, दोस्तों ये ऑप्शन इसमें गलत है, मतलब ये सही है, माही नदी की सहायक नदी है वो साबरमती नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। फिर बात करते हैं, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर व भीलवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा और जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। तो दोस्तों इसमें बात कर रहा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड की, तो इसमें दोस्तों ये भरतपुर, धौलपुर, अलवर ये नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा, पूर्वी मैदानी
अर्ध शुष्क भी आ रहा है इसमें, देखो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि, तो इसमें जयपुर ऑप्शन नंबर डी है वो ज़्यादा सही होगा, दिए गए ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा सही है डी, जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। फिर गजनेर लिप्त नहर का नया नाम क्या है? जय नारायण व्यास लिप्त नहर, पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर, कंवरसेन लिप्त नहर और कुंभाराम लिप्त नहर। दोस्तों इसमें 100% मतलब सही आंसर है वो पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर होगा इसका, गजनेर लिप्त नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा, पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर। राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? घग्गर, काकने, सोता और जाखम। तो दोस्तों इसमें आप सबको पता है कि अब ये सोता नदी है ये तो नाम सुना हुआ नहीं है, लेकिन सबको पता है कि जाखम वो माई नदी की सहायक नदी है, तो जिनका उद्गम मतलब प्रतापगढ़ से होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, मतलब ये नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नहीं है, काकने घग्गर सोता ये पता नहीं, लेकिन जाखम वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है सबको पता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 45 निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर, गंग नहर और बांकली नहर। तो दोस्तों सबसे पुरानी पूछ रहा है, राजस्थान की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना वो गंग नहर परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी इसमें 100% सही हो जाएगा, गंग नहर परियोजना। फिर है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में आता है ये, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 30 कर देते हैं कई, तो कई है वो दक्षिण, आप दक्षिणी पूछ रहा है तो कई ने तो ये ऑप्शन पहले दे दिया कि 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी, तो कईयों ने बीच क्लिक कर दिया, लेकिन इसका एकदम 100% सही आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी तो कर्करेखा होती है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं आएगा, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट राजस्थान का अक्षांश विस्तार है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन मोहदे द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगभग अभी तक जो गाइडें आती हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज के बाद शायद सम्मिलित हो जाएगा, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो रीट की अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं वो भी मतलब नोट करके रख लें, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समतल का उच्च मैदान हेरोन मोहदे द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? बनास मैदान, मेवाड़ मैदान, छप्पन मैदान और मालपुरा करौली मैदान। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मालपुरा करौली मैदान को हेरोन मोहदे ने समतल उच्च मैदान की संज्ञा दी है, मतलब समतल उच्च मैदान हेरोन मोहदे द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया मालपुरा करौली मैदान, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं? तो ये तो सबको ही बताया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, गंगानगर इसमें ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया कि राजस्थान में आंधियाँ हैं वो उत्तर पश्चिम से मतलब ज़्यादा होती हैं और दक्षिण पूर्व में वो आंधियों की संख्या कम होती जाती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, तो सबसे ज़्यादा वो गंगानगर में आती हैं और सबसे कम आंधियाँ वो झालावाड़ में आती हैं, और वर्षा हो जाती है विपरीत, सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है और सबसे कम होती है यहाँ पे आपके जैसलमेर में। फिर बात करते हैं गुणसास के क्वेश्चन की, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लू मिट्टी या मरुस्थली मृदा, काली मिट्टी, लाल पीली मृदा और लाल मिट्टी। तो आपको मतलब अब एक जिला देता है तो आप मतलब कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें तो 4-5 जिले दे दिए कि नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इसमें दिए गए ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा मतलब सही है ऑप्शन ए लग रहा है, ब्लू मृदा या मरुस्थली मृदा, ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करते हैं 50 के क्वेश्चन की, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? पाली, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, बाड़मेर, नर्मदा योजना से सबसे ज़्यादा राजस्थान का लाभान्वित जिला है बाड़मेर। तो दोस्तों इसमें ये राजस्थान के जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो 50 क्वेश्चन आए थे ये सब हमने कवर कर लिए हैं, आप इसमें से आपके कितने सही होते हैं ये तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, लेकिन पेपर थोड़ा इजी था ही था, आपके सामने भी दिख रहा है कि ये किसी स्टूडेंट का जो पेपर था इसमें से मतलब इसने 2-3 क्वेश्चन नहीं किए और लगभग 2-3 ही उसके गलत लग रहे हैं, तो लगभग मतलब 42-43 क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है, आप देखेंगे तो आराम से 42-43-44 क्वेश्चन तक आराम से सही हो जाएंगे, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी है लेवल और बच्चे हैं वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वर्तमान में, आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी का युग है तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मैटर मिल रहा है। चलो फिर भी आपको अगर कोई इसमें डाउटफुल लगता है तो आप उसका कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं, इस वीडियो में इतना ही है, बाकी के आंसर की हम जल्दी मतलब आंसर की जल्दी लेकर आएंगे इस चैनल पे, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।